तो राम बड़ा कि राम जी का नाम बड़ा, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। तो कुछ ने कहा कि ये भगवान राजा दी राज है, किसी को कुछ भी दे दें, दंड दे दें, ये कर दें वो कर दें, वरदान दे दें, अपना धाम दे दें, प्रत्यक्ष भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, ये क्या भविष्य की कल्पना। किसी ने कहा भविष्य की और भूत की नहीं, नाम और नाम ही एक होता है, छोटा नाम होता है लेकिन बड़े से बड़े व्यक्ति खबर दे देता है। मैं हरिद्वार कहूँ तो इतना ही हरिद्वार आ गया, लेकिन यूपी कहूँ तो उत्तरांचल कहूँ तो देहरादून और टिहरी वीरी भी आ गई, लेकिन बम्बई नहीं आएगा, दिल्ली नहीं आएगा उसमें। अगर मैं कर ये कह दूं भारत कह दूं तो सारे प्रांत आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा, दुबई नहीं आएगा। लेकिन मैं विश्व शब्द कह दूं तो सारा विश्व आ जाता है, शब्दों में कितनी ताकत है। इसलिए नामी से भी नाम बड़ा है, उनकी बात भी तर्कसंगत लगती थी। और जिन्होंने कहा सामने बैठे ये भगवान को छोड़कर उनके नाम की बातें, उनकी बातें भी अपने अपने तर्क से संगत लगती थी। दो झुंड बन गए, दो विभाग हो गए, शास्त्रार्थ चलता रहा, प्रवचन चलते रहे। जिस पक्ष का आदमी जिसका बयान करे उसकी बात में भी कुछ दम दिखता था, आखिर निर्णय नहीं हो रहा था। आखिर बागडोर देव ऋषि नारद जी को संभालने की रुचि हुई। नारद जी शाम को गए हनुमान जी के पास, आज भी कोई तथ्य नहीं निकला कि नाम बड़ा कि नाम ही बड़ा। अब हनुमान जी तुम्हें सहयोग करना होगा, बोलो संत का कार्य, राम काज बिन कहां विश्राम, और संत भी राम स्वरूप है, महाराज आज्ञा कीजिए। बोले कल सुबह तुम आओगे, वशिष्ठ को प्रणाम करोगे, सरकार को प्रणाम करोगे, सभी संतों के प्रणाम करोगे। एक काम करना, जब हनुमान जी तुम प्रणाम करते करते चारों तरफ जाओ तो विश्वामित्र जहां बैठे हो वहां प्रणाम के बदले पीठ दे देना और पूंछ का सटाका मार देना, जैसे चाबुक में से आवाज निकलता है। हनुमान जी ने कहा कि आप महाराज ऐसी सेवा दे रहे हैं कि विश्वामित्र को पायमान हो जाएंगे। बोले मौत के मुंह में डालेंगे और क्या करेंगे। मैं कहता हूं तो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, पवन सुत तुम और संकोच सेवा में। बोले नहीं महाराज मैं करूंगा। दूसरा दिन हुआ, उनको प्रणाम, सभी को प्रणाम करते जब विश्वामित्र के नजीक बैठे, देखा देवऋषि भी पास में ही बैठे हैं, लेकिन विश्वामित्र के एंगल से ही जहां प्रणाम बनता था वहां पीठ दे दी और पूंछ की सलामी मार दी, सटाका मार दी। नारद जी ने छटे हुए मिट्टी तेल पर दिया सलाई लगा दी, बोले देखो बंदर तो बंदर है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी को प्रणाम किया आदर से, पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, ग्यारहवां मन आपको समर्पित, राम जी को भी हुए, सभी संतों को किया, और तुमको इस बंदर ने पूंछ दिखा दी। हाँ ये मेरा अपमान। दशरथ नंदन राम, तुम्हारे इस सेवक को उदंडता से बाज लाने के लिए मैं मृत्यु दंड देता हूं, और मैं खुद नहीं मारूंगा, कल सुबह तुम्हारे तीक्ष्ण बाण जैसे रावण को वीरगति दे दी, ऐसे इस हनुमान पर राम के तीर छूटेंगे और आगे की गति करेगा। अब गुरु आज्ञा की अवहेलना राम कर नहीं सकते, और झूठ मूठ में तीर मारना ये राम के बस की बात नहीं। और एक तरफ अपना ऐसा प्राण प्रिय सेवक और उसको अपने हाथों मारना, ये भी राम जी के लिए व्यथा थी। लेकिन गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगल। सरजू किनारे उमड़ा अयोध्या, राम जी हनुमान जी को तीक्ष्ण बाण मारेंगे और हनुमान जी की यात्रा पूरी हो जाएगी। लोगों की अपनी अपनी कल्पना,
हनुमान जी का अपना चिंतन। नारद जी ने कहा अब ये पवन सुत मेरा विषय है, कल सुबह होने दो। सरकार आए, हनुमान जी खड़े हैं और सरकार को तीर लगाना है। नारद जी हनुमान के पक्ष में आकर खड़े हो गए। तुम अपने स्वामी के प्रति वार तो नहीं कर सकते हो, राम जी तुम्हें मार सकते लेकिन तुम राम जी पर प्रहार नहीं कर सकते हो ना। हां कोई बात नहीं, लेकिन रक्षा कर सकते हो। ये तुम्हारी गदा उठाना, जो राम जी का तीक्ष्ण बाण निकले वो एक ही बाण काफी होता है, लेकिन राम का बाण वो तीर से निकला बाण है, लेकिन संत के हृदय से निकला वाणी रूपी मंत्र रूपी बाण उस बाण को शांत कर देगा। तुम शांत आत्मा होकर मन में जपना राम, तो राम का तीर राम के नाम से एक से एक तीक्ष्ण बाण राम फेंकते गए, लेकिन हनुमान के पास राम का नाम, राम के बाण। आखिर कहीं बच्चे खुचे दो चार बाण होंगे। विश्वामित्र और सब चकित हो रहे। नारद जी विश्वामित्र के पास, महाराज हनुमान के पास सेवा का धन है, नम्रता भी है, न जाने किस कारण पूंछ का सटाका हो गया, इतने इतने बाणों से वो बच गए। अब दो तीन बाणों के बाद अजय हनुमान जी, राम जी के लिए चिंता और आपके लिए चिंता, महाराज बिगड़ती बाजी को अब आप संवार ले। आप खड़े होकर घोषणा कर दीजिए कि राम बच्चा कल का कच्चा हो सकता है, हम इसको माफ करते, रहने दो रहने दो, आपका यश बन जाएगा और हनुमान जी को प्राण दान देने का इतिहास गुणगान करेगा और राम के नाम की महिमा का लोगों को पता चलेगा। विश्वामित्र ने कहा नारद जी तुम ठीक ही कहते हो। खड़े हो गए, श्री राम श्री राम, बस बस बस, हम हनुमान को क्षमा करते हैं। जय जयकार हुआ। ये अंग्रेजों की परंपरा में तालियां बजती, उस जमाने में बोलते साधो साधो साधो। तुम्हारी बात सीधी साधी है, तुम्हारी बात सरल है, तुम्हारी बात हमें स्वीकार है, तुम्हारी बात सार गर्भित है। साधु शब्द में बहुत अर्थ छुपे रहते थे। अभी तो प्रवचन अच्छा नहीं लगता तभी भी लोग तालियां ठोक देते कि जल्दी बंद करो। साधु शब्द में ऐसा नहीं होता, साधो साधो साधो। सत्संग के लिए नहीं करते, लेकिन जो भाषण आ जाता है, कोई नेता को माइक मिलता तो बीच में तालियां चालू हो जाती, फिर मैं वातावरण संभाल लेता हूं। सभी ने साधो साधो कहा, तो आप समझ गए होंगे नाम ने तो गिने गिनाए लोगों को दर्शन दिया, गिने गिनाए लोगों ने उनका वार्तालाप सुना, स्पर्श का फायदा लिया, लेकिन भगवान का नाम जीवा से स्पर्शित होता है, मुंह में रस ले आता है, धीरे धीरे हृदय में रस ले आता है और फिर पांचों शरीरों में रस ले आता है और रस स्वरूप परमात्मा के सुख को प्रकट कर देता है। इसलिए भगवान से भी भगवान का नाम ऊंचा माना जाता है, बड़ा माना जाता है। राम न सकई नाम गुण गाई, तो नाम जपने में पहले पहले तो मुंह से जपते हैं बैखरी, हम बोले और आप सुने ऐसा, फिर धीरे धीरे होठों में, फिर कंठ में, फिर हृदय में चले आए और उसके अर्थ में, तो जप का प्रभाव बढ़ जाता है और जप के अर्थ में मन स्थित होने लगता है और फिर भगवान का वह योग और वैभव, जहां जहां देखो भगवान का सामर्थ्य वो योग है और जहां विलक्षणता देखो वहां वैभव है। सासू ने बहू को डांटा, बहू अगर चतुर है तो ये वह भगवान, सासू के अंदर ये भगवान की कृपा का वैभव हो रहा है। मेरी गलती सुधारने के लिए सासू के हृदय में तेरी लीला काम कर रहे, अगर गलती नहीं फिर भी सासू डांट रहे हैं तो मेरी सहन शक्ति और देह की ममता मिटाने के लिए भगवान का वैभव सासू के द्वारा लीला कर रहा है। अगर बहू के द्वारा अंतसंत होता है तो सासू ऐसा सोचे, ननंद के द्वारा अंतसंत होता है तो भाभी सोचे, और भाभी के द्वारा अंतसंत होता है तो ननंद सोचे, पड़ोसन के द्वारा होता है तो पड़ोसन सोचे,
तो आपको पड़ोसन के झगड़े में भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी, सासू बहू के झगड़ों में भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी, अड़ोस पड़ोस के विद्रोह और झगड़ों में भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी, भगवान का वैभव थन घनित होता जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जेत नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, दृढ़ता पूर्वक मानता है, वह अविचल अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी तपस्या का लाखों लाखों आदमी एक साथ और इतनी शांति में बैठे हैं, ये अपने आप में अद्भुत प्रसंग है। ताचनी गृह, हम बिहार में पटना में सत्संग कर रहे थे तो पटना के अखबार वालों ने दिल खोल के सच्चाई का वर्णन किया। यहाँ के अखबार वाले भी बड़े प्रेमी हैं कि लाखों लोग और कई वीवीआईपी गाड़ियां लाल बत्ती और पीली बत्ती वाली हैं। जहां जगह मिली वहां बैठ गए और जगह नहीं मिली तब भी सत्संग सुनने के लिए वीवीआईपी लोग बड़े इत्मीनान से अदब से खड़े रहे। वे भूल ही गए कि हम कुछ हैं, वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं। सत्संग में सभी का चित्त निर्दोष, पवित्र, शांत और वचन एक भी कहीं चुक न जाए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि लाखों लाखों की भीड़ में कहीं सेल्यूलर की रिंग का आवाज सुनाई नहीं पड़ता था, टाचनी गिरे तो पता चल जाए। अब महाराज, बिहार की अखबारों ने ये लिखा लेकिन उत्तरांचल की अखबारों के लिए भी ये दृश्य वैसे का वैसा है। क्यों अध्यक्ष? जयराम जी की नारायण नारायण। अध्यक्ष आकर सुन रहे हैं वीवीआईपी, लेकिन सत्संग में वीवीआईपी वीवीआईपी वीवीवी सभी वीवीवीवी एंड वीवी एंड वीवीआईपी। काली यशपाल आचार्य वीवीआईपी नहीं है अभी, सब के सब वीवीआईपी। क्या ख्याल है आचार्य? अध्यक्ष यशपाल आर्य नारायण नारायण। मैं कोई झूठ बोले या? सब वीआईपी वीवीआईपी। और उन वीवीआईपीओं को शिवजी धन्यवाद दे रहे हैं। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु ज्ञान है, जिनके कानों में वो उनके माता पिता और कुल खानदान धन्य। तो सभी वीआईपी बन गए। अब छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक सेठ की चप्पल टूट गई, कथा में से गए ना, जाते आते रास्ते में चप्पल टूट गई, मोची को चप्पल सीने को दिया। मोची और हजाम की जात काम भी करे और ग्राहक से बात भी करे। सेठ, आप हमारे गांव के नहीं लगते हो, बाहर से आए हो ना? बोले हाँ, मैं मुंबई से आया हूँ महाराज का सत्संग सुनने को। यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध ताजा दूध, वो थैलियों वाला दूध, क्रीम निकली हुई और मिलावट वाला दूध, 3 फैट का, यहाँ तो 7 फैट का ताजा दूध, ताजा दही, ताजी हवा, ताजा पानी और सरल लोक और फिर सत्संग, बड़ी शांति मिलती। मोची की आंखों से पानी झरने लगा, आंसू पहुंचते हुए मोची ने लंबी सांस ली। सेठ ने कहा, क्यों वरी यार, तेरे को क्या हुआ? बोले, सेठ जी, मैं सत्संग में जाने वाला था लेकिन मैं अभागा नहीं जा पाऊंगा। रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, मैं तो भूखा रह सकता हूं परिवार भी, लेकिन मेरी दादी माँ और मेरे पिताजी, उनको भूखा नहीं रख सकता हूं। अगर कथा में जाऊंगा तो मेरा ये फुटपाथ का पेटी उठा के जाना पड़े। सेठ ने देखा कि हाय गरीबी, चप्पल का तो 50 पैसा होता है लेकिन सत्संगी का दिल तो दयालु होता ही है, 10 रुपये सेठ ने पकड़ा है। लेकिन मोची सेठ से ज्यादा धनी था। मोची कहता है, सेठ जी, भले पैसों से मैं गरीब हूं लेकिन मैं अपनी संस्कृति से, अपने पुण्य कर्म और परलोक से तो गरीब नहीं रहूं,
सेठ जी इतनी सेवा मेरी स्वीकार कर लो, नहीं चाहिए। संत का दर्शन मैं नहीं कर सकता हूं तो संत के दर्शन करने वाले की थोड़ी सेवा तो मेरे भाग्य में लिख जाने दो, इतना तो मेरे भाग्य में लिखने दो सेठ। भारत का मोची जानता है, कहीं पर बड़े बड़े अधिकारी बोलते हैं कि कुछ घूस दो तब पोस्टर पे वो लगेंगे, हमारे आदमी घूस नहीं देते, फिर वो बैनर हटवा देते हैं, तोड़वा देते हैं, फिर हमारे साधक स्टे ले आते हैं उन ऑफिसरों पर। ये आपके उत्तरांचल की बात है, अध्यक्ष जयराम जी की, उनको सद्बुद्धि देना आपका हमारा कर्तव्य है। लोगों को पता चले इसलिए होल्डिंग लगा तो उसकी रिश्वत दो, तो ऑफिसर को तो होल्डिंग लगे, नहीं तो न लगे। तो क्या भारत ऑफिसरों का खरीदा हुआ देश है कि पब्लिक का भी है? बड़े शर्म की बात है, उन अधिकारियों का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप नाम पा लेना हमारे साधकों से, और अधिकारी को प्रेम से समझा देना कि दोबारा ऐसा ना करे, ये इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। अगर बापू के कार्यक्रम में कोई भी अधिकारी रिश्वत लेकर कुछ सुखी होना चाहता है तो शर्म की बात है। कम से कम मोची जितनी अकल तो उन बड़े अधिकारी ऑफिसरों को होनी चाहिए जिन्होंने बैनर हरिद्वार के बैनर हटवा दिए रिश्वत न मिलने पर। उन अधिकारियों को सतबुद्धि मिले, हम उनका भी भला चाहते। अध्यक्ष आपके वश में है ये काम, जयराम जी की, तुम्हारे एक फोन से हो जाएगी उसकी सतबुद्धि। मोची 10 रुपया वापस धकेलता है। सेठ बोलता है भाई तू किसी को दान दे देना लेकिन रख। बोले नहीं सेठ जी, सत्संगी की सेवा से बढ़कर कोई नहीं। मोची सेठ के तरफ धकेलता है, सेठ मोची के तरफ धकेलता। सेठ बोलता है भैया मेरे आईएएस, मेरे नहीं, मेरी गलती है, आईएएस नहीं वो सीए पढ़े हुए आदमी मेरे पास काम करते, 35,000, 40,000, 50,000 पगार, मैं फाइनेंस का धंधा करता हूँ, मुलजी जेठा मार्केट में करोड़ों करोड़ों की कई दुकानें मेरे पास, मैं तुझ मोची के 10 रुपये रखूंगा? नहीं नहीं तू रख। मोची बोलता है तुम रखो। सेठ बोलता है तुम रखो। भीड़ इकट्ठी हो गई महाराज क्या हुआ, कोई सज्जन आप जैसा आदमी आया। मोची की श्रद्धा और सूझबूझ देखकर सज्जन आदमी ने समझाया कि सेठ जी आप हार मान लो, मोची की श्रद्धा को जीतने दो। भारत के सेठ ने हार मानी और भारत का मोची धर्म के क्षेत्र में वीवीआईपी बन गया। जब एक मोची वीवीआईपी पद पा सकता है तो बड़े अधिकारी होल्डिंग लगाने की रिश्वत न मिलने पर होल्डिंग तोड़वा दें, हटवा दें, ये उत्तरांचल सरकार के लिए भी एक प्रश्नवाचक हो जाता है। तो दोबारा उत्तरांचल में कोई अधिकारी ऐसा ना करे, ये सरकारी हाईकमांड का कर्तव्य है, हमारी प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण। गंदे पोस्टर तीर्थ में लग सकते हैं, नंगी औरतों के चित्र लग सकते हैं, और सत्संगियों को खबर देने वाला होल्डिंग रिश्वत ना दो तो हटाया जाए, तो क्या उन अधिकारियों का ही देश है, दूसरे पब्लिक का नहीं है? जयराम जी के अधिकारियों के प्रति हमारे मन में सद्भाव है, ऐसा करेंगे और वो धर्मादे की रिश्वत ले लेंगे तो उनके बच्चे लोफर बन जाएंगे, बच्चियां लवर लेकर भाग जाएगी। इसलिए हम टाइट रखते हैं कि भाई धर्म के पैसों को पत में न जाने दिया जाए, नहीं तो हमारे आदमी दे सकते थे रिश्वत। जयराम जी की नारायण नारायण नारायण। न जाने कितने भक्त कहां कहां से विचार आते, लाखों लाखों आदमी कितना श्रम उठा के आते, और 3 दिन रहना खाना 30 रुपये में, 2-3 टाइम रहना खाने की व्यवस्था करते, और समिति के लोग बेचारे नौकरी वाले हैं, कुछ पैसे खुटते तो आश्रम के तरफ से मिलाए जाते हैं, अहमदाबाद के तरफ से।
यहां इतना बड़ा मेला, अगर चाहें तो हम करोड़ों रुपया इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य लोगों से पैसा इकट्ठा करके ढेर बनाना उद्देश्य नहीं, लोगों के हृदय में लोकेश्वर के गीत गुंजाकर माधुर्य चमकाकर इस भारत को फिर से अपने वैभव में जगाने का मेरा उद्देश्य है। नारायण नारायण, भगवान करे सबका मंगल। आपके नारायण दत्त तिवारी जी कैसे साधु स्वभाव का, भागे भागे चले आने वाले थे, बुखार आने के कारण नहीं आ पाए। देहरादून में आए थे, सत्संग में आकर बैठे थे, गद्दी लगाई थी ठीक टिप टाप थोड़ी मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसे ही बैठ सरल। वो आपके राज्यपाल देहरादून के, वो भी आकर सत्संग में बैठ जाते, तो जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको इतना समझना चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारी तो हमारे सत्संगी हैं और हम ऐसे बापों के सा कार्यक्रमों में विक्षेप करेंगे तो शोभा नहीं देता। बेटे भगवान सबका मंगल करे। नारायण नारायण नारायण। अब क्या करोगे, संत तपस्या करते इतना कष्ट सहते, न जाने रात को कितने बजे उठते कितना जाते, और फिर अपने तन को मन को जीवन को यात्रा में घिस डालते और कुछ नहीं लेते, और तुम होल्डिंग लगाने की रिश्वत चाहते हो, बड़े शर्म की बात है, हद हो गई। नारायण नारायण। तो नगर पालिका को धन्यवाद है, लेकिन एक बड़ा ऑफिसर, उसके तरफ से जब ये मांग आई तो मेरे तक पहुंची, तो उस ऑफिसर का नाम बता देंगे समिति वाले, जाहिर में नाम नहीं लूंगा, भगवान उसका भी यश बनाए रखे। नारायण नारायण। अगर ऐसे अधिकारी ज्यादा जोर मारेंगे तो मैं जाहिर में भी नाम लेना शुरू कर दूंगा, अगर हमारे समिति वालों को ज्यादा सताएंगे तो फिर जाहिर में नाम भी लूंगा, और मेरे लाखों शिष्य हैं उनको कह दूंगा कि अपने अपने इलाके के समिति वाली महिलाएं चूड़ियां हैं और साड़ी ले जाए, उस अधिकारी के घर पे जाके बैठे लो पहनो। ऐसा भी हो सकता है, अधिकारी अगर मेरी प्रार्थना से बाज नहीं आए तो फिर मेरे पास सत्याग्रह का रास्ता भी है। नारायण हरि नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। अब इतना बोल दिया हूँ, अब अगले साल ये पंचदीप मिलता है कि नहीं मिलता है वो अधिकारियों के हाथ का खेल है। जय राम जी की। अगले वर्ष ये पंचदीप मिलता है कि नहीं मिलता है, हमारे मुकद्दर की बात है, अधिकारियों के मुकद्दर की बात है, शासन के यश की बात है। नारायण नारायण। नहीं कैसे मिलेगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों जी, अरे ओम ओम ओम। गीता कहती है कि अहिंसक पर वार मत करो, निर्दोष को सताओ मत, लेकिन दोषी से दबकर बोंदू होकर किनारे मत लगो, दोषी के सामने छाती खोल कर लोहा लो और निर्दोष को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करो। ये अध्यक्ष मेरे विचारों से सहमत हो रहे हैं, ये आपकी साधुता का हम अभिवादन करते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। चलो अलाउं सर जरा सा कीर्तन कर लेंगे, एक बज गया है, सुबह 9 बजे सत्र चला, 6 से 6:30 से 9 तक तो दीक्षा चली और 9 से 1 तक का सत्र। अब ऐसे तपस्वियों की घुस उस अधिकारी के पास जाती तो क्या हाल करती, इसलिए हमने नहीं दी। नारायण नारायण। जब सारे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब शिवालिक पहाड़ियों के चरणों में श्री गंगा जी के किनारे स्थित ये पौराणिक श्री हरि की नगरी हरिद्वार का मौसम सुबह शाम बहुत ही सुहावना हो जाता है। वास्तव में ही हरिद्वार स्वर्ग से सुंदर प्रतीत होता है।
शाम को हर की पौड़ी पर श्री गंगा जी की आरती जल्दी करो, जल्दी करो, जिसमें फूलों से नारायण 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 सुमधुर सार गर्भित ओजस्वी वाणी में 5 ऑडियो कैसेट का सेट स्टाल पर उपलब्ध है। इन कैसेट्स के नाम हैं आत्मानुभव, प्रभु प्रेम की दिव्य कथा, मेरे प्यारे राम रमैया, संसार मुसाफिर खाना है, पीले ध्यान की भांग। इसके अलावा श्रीमती सुनीता लंग जी के सुमधुर स्वर में भी भजनों की कैसेट। मंगल मंगल ना हरि हरि ओ, पावन पावन ना हरि हरि ओ, दिलों का दुल्हरा ना हरि हरि ओ, आनंद आनंद ना हरि हरि ओ, प्रेम से बोलो प्यारा ना बोलो प्यारा ना हरि हरि ओ, मधुर मधुर ना हरि हरि ओ, पतित पावन ना हरि हरि ओ, हरि ओ हरि ओ कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, नारायण श्रीमन नारायण शिव 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 शंभु गंगे।
बैठ जाओ। बापरे कुंभ मेला, हरिद्वार में कुंभ मेला है क्या? साधु बाबा जय जय सियाराम, ओम नमो नारायण, दंडवत महाराज। ओ बैठो, मेरा वाले कैसे आएंगे तेरे कैमरा में देख। बापरे अल्लाह रे अल्लाह, कितने लाख लोग होंगे अल्लाह जाने, हजारों की संख्या लिखना भूल जाओ। बापरे बाप, 2 लाख 3 लाख 4 लाख आदमी बैठे, ऐसा पंडाल भी छोटा कर दिया, हद कर दी हरिद्वार वालों ने। बैठते जाओ बेटे, जिसको जाना है थोड़ा खिसक जाओ, आगे घुसने की कोशिश नहीं करना कोई भी, हाँ फिर फंस जाऊंगा एकदम। मैं दिखाई दे रहा हूँ पीछे वाले, ये मेरी दाढ़ी है, काई दिखे बेचारी दाढ़ी बाढ़ी। अपने मुझे नहीं दिख रहे इतने बड़े लोग, तो मेरी दाढ़ी बेचारी कहाँ दिखेगी? ये मेरा हाथ है, नहीं देखेगा, अब देखेगा। ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ। अमेरिका में हम तीसरी बार गए, तब किसी खोजा परिवार ने दीक्षा ली और कहा बापू वो दिन आएंगे कि लोगों को आपके कब्रों के दर्शन करने पड़ेंगे दूर से। ये बात उसकी सच्ची दिख रही है। बैठते जाओ, तो आगे वाले बैठोगे तो पीछे वालों का दीदार करूंगा, दीदार बाजी प्रभु राजी। बैठते जाओ तो लाला लालियां देवियां माताएं, बैठते जाओ। ओहो ये कैसा है जादू, समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। मानो न मानो ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है। विषय विकारों की खुशी खुशी नहीं हर्ष है, लेकिन अंतर आत्मा की प्रसन्नता वो खुशी है, प्रसाद है। बैठते जाओ। बैठते जाओ, अभी जो खड़े जाओ, अभी जो खड़े हैं पीछे पीछे वे बैठने की कृपा करें। हरि ओम। अभी जो खड़े हैं पड़ोसी उनको अक्कल दे दे। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि पीछे वालों को बिठा दे। देखो हम लोग साधन भजन तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में असाधन हो जाता है। हम अच्छाई तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में बुराई हो जाती है। अपनी बुराई अपने से छुपी नहीं है, तो अपनी बुराई अपने को चित्त में खटकती है। इसलिए चित्त परमात्मा सुख का, परमात्मा आनंद का, परमात्मा सामर्थ्य का अनुभव करने में पिछड़ जाता है। तो इसका एक सुंदर उपाय है कि अपने प्रयत्न से अपने दोष निकालने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा, और दोष निकल गए तो मेरा
काम मैंने जीत लिया, मैंने क्रोध जीत लिया, मैंने लोभ जीत लिया, मैंने मोह जीत लिया, तो ये मैं जो है ना वो सारे दोषों को लेकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए एक सुंदर उपाय है कि दोष जो है वो शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, उन मन बुद्धि के दोष में निकालूंगा, लेकिन मैं अकेला हूं और ये जन्मों जन्मों से मेरे को पटकते आए, काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय। तो तुलसीदास जी ने जैसे भगवान की दया का फायदा उठाया। देखो भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वसुहृद है, अंतर्यामी है और सब कुछ करने में समर्थ है और दयालु है, लेकिन जो उनको पुकारता है वो ही उनकी दया का फायदा ले सकता है। अकारण जिस किसी पे दया करे तो संसार की लीला ठप हो जाएगी। जो उनकी दया का, उनकी कृपा का, उनकी सुहृदता का, उनके सत्संग का, उनके नाम का फायदा उठाता है वो तर जाता है, बाकी अपनी हेकड़ी वाला पिछड़ जाता है। मैं लंकापति रावण, वो मैं मार जाती है। तेषाम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात, उनका मैं संसार सागर से उद्धार कर लेता हूँ। जो मुझे पुकारते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारता, हे अर्जुन तू मेरी शरण आ जा सब भावों से। शरीर से जो करे वे मेरी प्रसन्नता मुझ अंतर्यामी की, मन से जो करे उस मेरी परमात्मा स्वभाव से थोड़ा तालमेल करके कर, बुद्धि से जो निर्णय करे उस मुझ परमेश्वर से तदाकार होकर कर। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारता तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। दुनिया का कोई ऐसा स्थान नहीं जो शाश्वत हो, ऐसा कोई पद नहीं जहाँ से रिटायरमेंट ना होना पड़े, जहाँ से हटना ना पड़े, गिरना ना पड़े, छोड़ना ना पड़े, लेकिन एक ही पद है वो शाश्वत आत्मपद। यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको पाकर उसे बड़ा कोई पद नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यतम न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचालित, जिस पद को, जिस सुख को, जिस ज्ञान को पाने के बाद उससे बड़ा कोई पद नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सुख नहीं, उसको पाया है छोटे से छोटे व्यक्तियों ने। छोटी जाति, छोटी पढ़ाई, छोटा संग, लेकिन बड़े में बड़ा भगवान का सत्संग मिल गया। दासी का पुत्र, और दासी भी कौन सी पक्की नौकरी नहीं, दिहाड़ी पे काम करे, ऐसी दासी का पुत्र। व्यास जी ने पूछा कि देवऋषि नारद तुम इतने महान कैसे बने, मुझको सलाह दिया और मेरे को शांति मिली, मैंने भागवत की रचना की। बोले मैं अगले जन्म में दासी का पुत्र था और मेरी माँ ऐसी छोटी दासी थी कि उसको मासिक कहीं नौकरी काम धंधा नहीं मिलता था, तो कहीं दो दिन कहीं पाँच दिन फुटकर काम करती थी। नगर में संत आए, किसी ब्राह्मण ने देखा कि हम सेवा नहीं कर सकते सत्संगियों की, तो अपने तरफ से दासी को लगा दिया, बिछात बिछाना, पानी छिटकना, झाड़ू बुहारी करना। तो मेरी माँ मुझ अकेले 5 साल बच्चे को कहाँ छोड़े, पिता तो चले गए थे। जाति छोटी, उम्र छोटी, बुद्धि छोटी, लेकिन बड़े में बड़े परमात्मा का सत्संग मिला। माँ तो वहाँ झाड़ू बुहारी की सेवा के लिए जाती थी नौकरी के, लेकिन मुझे सत्संग में, कीर्तन में सुनते सुनते रस लग गया। सत्संग सुनते सुनते पाप नाश होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, मन पवित्र होता है। भगवान नाम उच्चारण करने से नाड़ियों में जो मल है, विकार है, वो क्षीण होने लगते हैं। जब संत जा रहे थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं संतों के पास गया कि मुझे साथ में ले चलो। संतों ने तनिक मेरे तरफ देखा, मेरे भाग्य की रेखाओं को, फिर कहा कि पुत्र आज से तेरा नाम हरिदास रख देते हैं, तू भगवान का दास है। बाल्यकाल में तुझे संतों के प्रति प्रीति, भगवत कथा के प्रति प्रीति होना, ये कोई साधारण आत्मा का काम नहीं, तू हरिदास।
बोले माँ मेरी रोकेगी टोकेगी, मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता है। बोले तू लगा रहे भजन में, जो रोकेगा टोकेगा भगवान उसको सद्बुद्धि देंगे, अगर सद्बुद्धि नहीं लेगा तो भगवान उसका चोला ही बदल देंगे अर्थात उठा लेंगे संसार से। तो संत लोग तो सत्संग करके चले गए, मेरी माँ मुझे टोक दी थी, सद्बुद्धि नहीं ली भगवत कृपा की। तो एक बार गाय को चारा डालने गई, भैंस को, गर्मी के दिनों में हरे घास में चुपा सांप संध्या के समय मेरी माँ को काट खाया। महाराज में जाति छोटी बुद्धि छोटी विद्या नहीं के बराबर 5 साल, लेकिन भगवान का नाम और सत्संग ने मेरे को सत्प्रेरणा दी और पंचों को मेरी माँ की आखिरी जो विधि होती वो करने को कह दी। घर में जो कुछ था वो लुटा दिया, दिशाओं का पता नहीं था, फिर भी मैं परमात्मा तुम्हारा हूँ, तुम हमारी प्रेरणा करो, मदद करो, मैं भगवान की शरण हो गया, मैं तुम्हारा हूँ। वो प्रेरणा देते गए और मैं पैदल पैदल चलता गया उत्तर दिशा की तरफ। दिशा का मुझे ख्याल नहीं था, कहीं छोटे गांव आए, कहीं बड़े शहर आए, कहीं पोखरे आए, कहीं नदियां आई, कहीं नाले आए, कहीं मारवाड़ की भूमि मरुभूमि आई। इस प्रकार रास्ता लांघते लांघते मैं गंगा किनारे पहुंचा। थका था, वृक्ष के नीचे बैठा, तनिक हाथ पैर धोए, आचमन ली, प्रार्थना की कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता हूं लेकिन तू सर्व समर्थ है, मुझे दर्शन दे तेरी कृपा कर। गुरु ने जो बताया वो भगवान का नाम लेते लेते भीतर से पुकारता गया, दर्शन दो दे। बैठा रहा बैठा रहा, पुकार तीव्र हुई मन की, शांत सा हो गया। तो आकाशवाणी हुई कि बड़ा खेद है, मैं अभी तुम्हारे आगे प्रकट नहीं हो सकता हूं, तुम मेरे दर्शन का तेज नहीं सह सकोगे, लेकिन करते रहो तो अगले जन्म में मैं तुम्हें अपना खास विशेष संत बनाऊंगा। महाराज ये सत्संग का प्रताप है, भगवान की शरण का प्रताप है। देव ऋषि नारद अभी भी है, हनुमान प्रसाद भोजदार को गोरखपुर में दो सामान्य व्यक्तियों के रूप में तो व्यक्ति मिलने आए, नारद जी और अंगिरा, बातचीत हुई और फिर धीरे से कहा कि मैं देव ऋषि नारद हूँ और अंगिरा से हम फलानी तिथि को आएंगे, आपसे मिलेंगे, खुल के बात करेंगे। उस तिथि को आए तभी भी साधारण वेश, जब बैठे तो उनका संकल्पमय दिव्य अपना नारद और ऋषि का रूप जिस जगह पर प्रकट हुआ वो मैं जगह भी देख के आया, उन्होंने थल्ला बनाया। नारद जी विद्या दे सकते, नारद जी भक्ति दे सकते, नारद जी ऐश्वर्य दे सकते, नारद जी शांति दे सकते, प्रीति दे सकते, वरदान दे सकते, श्राप दे सकते। नारद जी भगवान के खास मन कहे जाते, जहाँ भी अत्यंत ऐसा हो तो नारद जी प्रकट हो जाते। केवल हनुमान प्रसाद पोर्दार जी को नारद जी मिलने आए ऐसी बात नहीं, कई महापुरुषों को कई भक्तों को भगवान मिलते। भगवान के नाम का मंत्र की संख्या कुछ हो जाती 9 करोड़ जितनी, तो जिस इष्ट का जप करते हैं वो इष्ट प्रकट हो जाता है। तो तुकाराम महाराज ने तो भगवान को चैलेंज कर दिया कि हे पांडुरंग, हे विट्ठल, आप तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे नाम रूपी चोटी तो गुरु ने मेरे को पकड़ा दी, अब मैं नाम जपता रहूंगा, देर सवेर तुम प्रकट हो जाओगे, मेरे दोष तो दूर होंगे लेकिन मेरे निर्दोष नारायण का दर्शन भी हो जाएगा, आप जाओगे कहाँ। तो आपके पास भी भगवान का नाम है, जो अपने में दोष दिखता है समझो काम विकार है। और हफ्ते में 15 दिन में कमर तोड़ कार्यक्रम होता है, हम 20 दिन में, ये उचित नहीं है। युवा धन पुस्तक पढ़ो, पति पत्नी दोनों सजातीय विचार बनो, फिर पानी रखो सामने, लंबी सांस लो, दाएं से लो, बाएं छोड़ो, बाएं लो, दाएं छोड़ो, 5-7 ऐसे प्राणायाम करो, फिर सांस बाहर निकाल दो, पेट को अंदर कर दो, योनि को सकोड़ दो, राम 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 राम, जय हनुमान जी का, राम जी का, मेरे गुरु जी का, भीष्म जी का चिंतन करो, ब्रह्मचर्य मजबूत, मेरा चिंतन मत करना क्योंकि मैं इस बात में बेटी बेटे वाला हूँ, वीरों का बहादुरों का जो
ब्रह्मचर्य में बहादुर है उनका चिंतन करो, फिर भगवान की कृपा और मेरा पुरुषार्थ। हरि ओम मा ओम मा ओम राम 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 राम। आज से 4 हफ्ता तक, 6 हफ्ता तक, 50 साल बीत गए तो 8 हफ्ता तक, 10 हफ्ता तक हम पति पत्नी का शरीर एक दूसरे का कमजोर नहीं करेंगे। थोड़े दिन प्रयास करोगे, आपके काम विकार में भगवान की कृपा का चमत्कार हो। ऐसे क्रोध आता है तो नाक से श्वास ली, मुंह से छोड़ी 10-12 बार हरि ओम शांति हरि ओम शांति जप किया, पानी में देखा और फिर वो पानी पिया। क्रोध आएगा तो 5 रुपया 10 रुपया दान कर दूंगा। क्रोध आएगा उस दिन सब्जी में नमक मिर्ची नहीं डलवाऊंगा। अपने आप क्रोध पर विजय आएगी। ऐसे ही चिंता आए तो चिंता और मैं भगवान का तो चिंता मेरी कैसे, मैं प्रभु का तो तनाव टेंशन मेरा कैसे। भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान नाम दोहराओ और जोर से हास्य करो और फिर ये गाओ, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी ऐसे होए। चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। तो एक एक दोष को थोड़े दिन लगे रहो निकलेगा। तुलसीदास ने भगवान को कहा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय तेरा भवन है, ताही बसे आई बहु चोरा, काम क्रोध लोभ भय शोक चिंता, मैं एकल अमित बंटवारा, मैं अकेला हूँ और ये सदियों से मुझे लूटते आए, मैं एकल अमित बंटवारा, को सुनत नाही मोरी पुकारा, रघुनायक बेगी करो संभारा, जल्दी मेरी संभालो नहीं तो अपयश हो ही तुम्हारा। भय होत है मुझे तुम्हारा अपयश हो जाएगा कि भगवान का भक्त और कामी, भगवान का भक्त और क्रोधी, भगवान का भक्त और नरकों में। हे नाथ, ये तुम्हारा हृदय बिगड़ रहा है, मेरा नहीं है। देखो भक्त प्रीति वाला भगवान को उल्हावना भी देता है और उनसे कृपा भी मांगता है। माँ को कैसे बच्चा उल्हावना देता है, देते तो दे जल्दी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। मानो माँ को ही गरज है। हाँ, माँ को गरज है, ऐसे भगवान को भी गरज है कि भक्त का उद्धार हो। भगवान सुहृद है और हमें अपना मानते हैं। अगर भगवान को हमारे लिए स्नेह प्रेम दया करुणा नहीं होती तो इतने इतने लाखों आदमी मुझे तो दिखाई भी नहीं देते। पीछे कितने कैसे कैसे लोग बैठे हैं, बाप रे बाप, कितने लाख होंगे। तो कोई ना कोई ऐसा शुभ कर्म किया है जिससे भगवान प्रसन्न हुए। देर सवेर प्रकट होना चाहते और फिर हम फिसलते हैं, तो फिसलाहट दूर कैसे हो। इधर अंतर्यामी प्रेरणा दे रहा है और वहाँ सुनने की सद्बुद्धि दे रहा है, उसी का तो हाथ है ना। इस महा आयोजन में उस परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। इसमें कोई केंद्र सरकार का हाथ इतने लोगों को बिठा सकता है क्या? राज्य सरकार इतने लोगों को शांत बिठा सकती है क्या? कोई एक व्यक्ति इतने लोगों को शांत बिठा सकता है क्या? नहीं। को पुलिस की हजार हजार पुलिस के जवान और मिलिट्री के जवान मिलकर भी इतने लोगों को इतना शिस्तबद्ध और शांत नहीं बिठा सकते। लाखों लोग हैं लेकिन सेल्युलर की घंटी कहीं नहीं बजती, टाचनी गिरे तो पता चल जाए इसके पीछे किसका हाथ है। इतने बड़े माहौल को शांति से सत्संग में सराबोर कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ काम कर सकता है क्या? राज्य सरकार का कर सकता है? मेरा या तुम्हारा हाथ काम कर सकता है? नहीं, उस परमेश्वर की कृपा का हाथ काम कर रहा है। जब उसकी कृपा का हाथ मिल ही गया तो पार हो जाएंगे। काहे डरे थो, चिंता काहे करे थो, देर सवेर तो हुई हैं पार, कहाँ जाए हैं। विद्यार्थी को पास होने की ललक होती है लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और मास्टरों की इज्जत का भी सवाल होता है अगर बच्चे न पास हो जाएंगे तो। नारायण नारायण नारायण।
सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, हितेश हूँ, ऐसा जो जानते ने उन्हें शांति मिलती। कुछ भी हो आप गहराई से देखोगे कि उसके पीछे भगवान की कृपा का हाथ है। आपका अपमान हो जाए, दुख हो जाए, आप नहीं चाहते ऐसा हो जाए, तभी भी देखो गहराई से कि भगवान की कृपा का हाथ है। सुविधा और सुख और सफलता मिल जाए उसमें भगवान की दया का हाथ है। जैसे माँ मन भावन चीज देती है, कपड़े पहनाती है, प्यार करती है, तो माँ की दया का हाथ है। अगर माँ नहीं चाहते हम, फिर भी माँ मचल मचल के गर्म पानी से नहलाती है, साबुन से रगड़ती है, नाक दबोचती है, हम नहीं चाहते, वो सब होता है, सहना पड़ता है, उसमें भी माँ की कृपा का हाथ है। नहीं चाहते वो होता है, उसमें कृपा का हाथ है, और चाहते वो होता है दया का हाथ है। तो दया और कृपा ये दोनों हमारे विकास के लिए मैया के द्वारा जो कराता है, वो औरों के द्वारा भी वही खेल खेल कर यहाँ तक हमें उठा लाया, नहीं तो एक पानी की बूंद से तो हमारी यात्रा शुरू हुई थी। कैसा है उसका वैभव, कैसी उसकी लीला। एक है ईश्वर का योग और दूसरा है वैभव। जहां तहां ईश्वर के योग को देखो, समाधि में ईश्वर से योग करो। बुद्धि तो बहुतों के सभी के पास है, मच्छर के पास भी पेट भरने की बुद्धि है, वकीलों के पास, बैरिस्टरों के पास तो और तीक्ष्ण बुद्धि है, बुद्धि तो धनियों के पास भी है, लेकिन बुद्धि को योग बनाओ श्री कृष्ण कहते। कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कर्म को योग बना दो, कर्म ईश्वर से मिलने वाले हो जाए, बुद्धि ईश्वर में विश्रांति पाने वाली है। धन तो कईयों के पास है, लेकिन धन ईश्वर प्राप्ति के रास्ते जाने वालों की सेवा में, और आपको ईश्वर प्राप्ति हो उस निमित्त खर्च हो जाए तो आप धनंजय हो जाते हैं। गीता में अर्जुन को भगवान ने धनंजय कहा। तो बुद्धि को योग बनाओ, कर्म को योग बनाओ। ज्ञान भी सभी के पास है, लेकिन पेट भरने का ज्ञान, अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान का ज्ञान तो बहुत भर लिया, उससे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन मैं कौन हूँ और परमेश्वर कितने दूर है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मेरा क्या है और शरीर का क्या है। लगेगा जो शरीर का है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो कभी मुझसे छूटता नहीं। शरीर का है संसार, शरीर का है घर, लेकिन मेरा है परमात्मा। अगर मेरा परमात्मा के साथ का संबंध शरीर नहीं रखता है तो शरीर को जला दिया जाता है। मेरा तो परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूँ। जीवात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, लेकिन शरीर और संसार बदल रहा है, छूट रहा है। जो छूट रहा है उसकी ममता छोड़ दो, और जो कभी नहीं छूटता है उससे प्रीति लगाकर बुद्धि को योग कर दो, कर्म को योग कर दो, ज्ञान को योग कर दो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू मौजी मौज हो जाएगी। अब आप लोग लंबा श्वास लेंगे और रोकेंगे, हरिओम शांति जपेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे।
मां बोलते समय होठ बंद, लंबा श्वास लें। हरि ओम शांति मन में जपें। जो पाप ताप हर लेता है, अपना ओम स्वरूप आत्मा का वैभव भर लेता है, हम उसी में शांत हो रहे, ये भावना करें। हरि ओम रात्रि को सोते समय ज्यादा लंबा श्वास न ले, लेकिन हरिओम का इस प्रकार गुंजन करें। हरिओम 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 हरिओम। 10 मिनट 8 मिनट इस प्रकार का जप करें। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में भगवान नाम के आध्यात्मिक आंदोलन छा जाएंगे। रात्रि की निद्रा भक्ति योग में बदल सकते हो, तुम निद्रा को निद्रा योग बना सकते हो। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 25वें श्लोक में आया, उद्धव ने प्रश्न किया था कि भगवान इस जीव को सुख चाहिए और दुख से परहेज करता है, फिर भी अंत में दुखी दुखी होकर संसार से जाता है, तो आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे मिले जिससे वो सदा के लिए निर्दुख हो जाए। तो भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया और भगवान कहते हैं, मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखने, गुण और लीला और मेरे नाम का कीर्तन करना, उच्चारण करना, पूजा करना और स्तोत्रों में निष्ठा से स्तोत्रों में प्रीतिपूर्वक निष्ठा करना, पाठ करना, मेरी स्तुति करना, मेरी सेवा करना, पूजा करना और प्रेम से प्राणी मात्रों के साथ प्रेम भरा व्यवहार करना, उसकी गहराई में मुझ परमेश्वर को देखने का भाव करना और सारे कर्म मेरी प्रीति के अर्थ मुझ परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म का फल मुझे अर्पित करना। इस प्रकार से जीव को बुद्धि योग प्राप्त होता है। यदा आत्मे अर्पितम चित्तम शांतम सत्तोपब्रहितम धर्म ज्ञानम सवैराग्यम ऐश्वर्यम चाभिपद्यते। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि हो जाए और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है,
उस समय साधक को धर्म ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो उसे बाकी क्या बचा पाने को, सब कुछ मिल गया। जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हुआ धर्म माने अणिमा आदि सिद्धियां ऐश्वर्य है। जिससे ब्रह्म ये आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान वह साक्षात्कार करा दे वही सच्चा ज्ञान है। विषय विकारों से निर्लिप्तता आ जाए वही सच्चा वैराग्य है। इस प्रकार अपने चित्त को ज्ञान योग से संपन्न कर दे, भक्ति योग से संपन्न कर दे, कर्म योग से संपन्न कर दे, तो जैसे मैं निर्लेप हूँ असंग हूँ ऐसे वह भी असंग हो जाएगा। जैसे मैं गुणातीत हूँ ऐसे वह मनुष्य भी गुणातीत हो जाएगा। जैसे मुझे सुख दुख सत्य नहीं भासता ऐसे उसको भी नहीं भासेगा। नहीं तो संसार तो ऐसा ही है भाई, कितना भी कुछ करो कुछ न कुछ दुख फरियाद और नश्वरता तो देता ही है। लेकिन जिसको इस संसार के दुख नश्वरता दिखती और शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद भी जानने को सत्संग मिल गया, वो शाश्वत का चिंतन करके अपने शाश्वत सुख को पा लेता है। जिसको सत्संग नहीं है वो नश्वर का चिंतन करके नश्वर चीजों की इच्छा से कूड़ कपट धोखाधड़ी करने के बाद भी नश्वर चीजें उसे पूर्ण सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वे अपूर्ण प्रकृति की है। और शाश्वत पूर्ण परमात्मा उसे दुख नहीं देता, क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं। दुख बुद्धि की बेवकूफी का फल है, वासना की अधिकता का फल है। प्रज्ञा अपराधो दुखम मूलम सर्व दुखानाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम। मति की गलती से ही दुख होता है। मति को जब भगवान की शरण मिल जाती है तो समता आ जाती है, सुख दुख को स्वप्ना मानने की समता आ जाती है। और मति तीक्ष्ण होती है तो बेईमानी के द्वारा कुड़ कपट के द्वारा सुखी नहीं, स्नेह सरलता और सच्चाई के द्वारा वो सहज में सफल हो जाता है। मति में अगर प्रकाश आता है तो मलुकदास की मति में ऐसा प्रकाश आया, जो नए लोग हैं मलुकदास की कथा नहीं सुनी होगी मैं फिर से सुनाता हूं। 11 साल की उम्र में पिता कंबल देते बांटने बेचने जाते, साधु संत मिल जाते हैं अभ्यागत, उनको ओढ़ा देते, ऐसे भक्ति भाव वाले थे। फिर जुआनी हुई, कुछ सेठ बने, एक जगह पर कीर्तन हो रहा था तो जाकर पुजारी को दूसरे दिन डांटा कि कल एकादशी का जागरण किया लेकिन हमारी नींद हराम की। तो एकादशी का जागरण है तो भगवान का नाम सुमरण करना चाहिए, एकादशी का जागरण हितकारी है, उस परमेश्वर ने उपाया है तो उसका नाम लें तो हमारा मन पावन होता है, वातावरण पावन होता है, जो सर्जनहार है सबका पालनहार है। बोले क्या सबका पालनहार है, हम कमाते हम सामान लाते आटा पिसाते रोटी बनती तब खाते, वो क्या पालनहार पालनहार कर रहे। बोले हम तो निमित्त बनते हैं लेकिन उसके पीछे हाथ उसका काम करता है, करुणा उसकी काम करती। बोले आए बड़े, हम अगर नहीं आटा लाए नहीं कमाए तो क्या वो खिलाएगा। बोले हाँ खिलाएगा, अगर हम नहीं खाएं तो पुजारी आ गया मस्ती में, बोले मार के खिलाएगा। मार के खिलाएगा, बोलना मत किसी को। बोले नहीं बोलूं क्या, सच्ची बात है, नहीं खाओगे तो मार के भी खिलाएगा। बोले मैं जंगल में चला जाऊं और छुप के पेड़ के ऊपर बैठ जाऊं तो क्या तुम्हारा भगवान आकर मार के खिलाएगा। बोले क्यों नहीं खिलाएगा, खिलाएगा। और पुजारी भी अड़ गए, पुजारी की भी भक्ति थी, कुछ धन था आध्यात्मिक। बोले लग गई शरत, अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे मार कर नहीं खिलाया 24 घंटे के अंदर तो फिर तुम्हारा ये कीर्तन बंद करना, अगर मार के भी खिला देता है तो फिर मैं भीड़ ना बंद कर दूंगा और तुम्हारे रास्ते चलूंगा। पहले से तो था ही बारूद, अब केवल एक चिंगारी लगनी चाहिए। चले गए तो पुजारी ने भगवान के सामने देखा,
प्रार्थना की कि तू करने में समर्थ, न करने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ, विलक्षण करने में समर्थ है प्रभु, उसको कुछ कृपा करके मार के भी खिलाएं देव। अब पुजारी प्रार्थना करते शांत हो गया, शांत हो गया माना भगवान की शरण पहुंच गया। जब आप शांत हो जाते हैं सच्चे विश्वास से तो आप भगवान की शरण पहुंच जाते हैं, फिर भगवान की लीला काम करने लगती। वो जाकर पेड़ पे बैठ गया, पुजारी की प्रार्थना हुई, एक आध घंटा बीता ना बीता, अब कौन सा काम कैसे करवाना किससे करवाना के स्वयं करना वो भगवान समर्थ है। एक अनजान आदमी आया, पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ा विश्राम किया, फिर अपना झोली झंडा लेकर चलता बना, लेकिन एक झोला छोड़ गया जिसमें टिफिन था गर्मा गर्म भोजन का। वो मल्लुक दास देखने लगे, अब मैं इसको बुलाऊं तो फिर मेरे को खिलाएगा क्या, करेगा क्या, अपन तो चुप रहो अपना क्या। एक आध घंटा बीता तो चार आदमियों के साथ उसका मुखिया गिरोह कहे, अरे यार ये पेड़ के नीचे कुछ पड़ा है, खोला तो गर्मा गर्म है, बढ़िया टिफिन भरा हुआ। उस्ताद अल्लाह ताला ने कुछ भेजा है। बोले अल्लाह ताला तेरा बाप भेजेगा, पुलिस ने अथवा तो हमारे शत्रुओं ने टिफिन बनाकर जहर डाल के रखा होगा। देखो कौन रख गया, माइका लाल, इधर उधर छान मारा कोई दिखता नहीं, कोई दिखता नहीं। बोलने वाले को प्रेरणा देने वाला है कि ऊपर देख, जयराम जी की ऊपर देखा तो मल्लुकदास ऐ अबे नीचे उतर नीचे उतर। बोले मैंने नहीं रखा, अभी यात्री आया था वो चला गया। नहीं नहीं सच बता तू नीचे उतर। बोले मैं नीचे नहीं उतरूंगा, तू पहले खा फिर हमें भरोसा होगा। बोले मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा उस्ताद, इसी ने जहर डाला है, अबे नीचे उतर। वो जो ना करे त्यों गिरोहों को लगे कि ये ना कैसे, दो आदमी ऊपर चढ़ेंगे ऊपर, अब दो आदमी चढ़ के फेंक दें अपने आप उतरे भाई साहब। सब्जी रोटी दही कचुम्बर जो भी था सब का मिलाकर बढ़िया सा कोर। बोले मुंह खोल, बोले नहीं खाऊंगा, और शक गया। बोले खा बे, नहीं खाऊंगा, नाक दबोची और मुंह खोला, लकड़ी की डंडी डाली ऐ ठोसा। बोले चबा का, बोले नहीं खाऊंगा, मैंने प्रण किया, प्रण किया, प्रण किया है नहीं खाने का, बोले नहीं खाऊंगा। अब गिरोह की थप्पड़ लगे, बोले पांच में अकेला, पुजारी की बात याद आई, नहीं खाएगा तो मार के खिलाएगा। खा 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 भर पेट खिलाया, भागा पुजारी के पास कि मैं हारा तो जीता, मार के भी खिलाएगा तेरे यार ने, मार के खिलाया, न जाने कैसी लीला हो। वो चल पड़े मायावान जंगल में अपना ले दे के सब, और जप में ध्यान में डूबे रहे। धीरे धीरे लोगों को पता चला कोई गाय चराने वाले दूध दे जाए, कोई कुछ दे जाए, और भजन में इतने मशगूल होते गए। महाराज आपको क्या बताएं कि उनके वो अंदर के आत्मिक शक्तियां जागृत हुई। फिर तो उनकी ऐसी दिव्य ज्ञान की धारा प्रकट हुई, उन्होंने जो लिखे हैं वचन, 108 साल तक धरती पर रहे। जब उनके संसार विदाय का समय आया तो भक्तों को कहा मैं फलानी तिथि को इतने बजे ये चोला छोड़ूंगा और मेरा शरीर जगन्नाथ भगवान की जो पनाली है, श्रृंगार करते हैं यहाँ वहाँ से जो पानी बहता है पनाली के पास, मेरी समाधि लगवा। अब भक्तों की हिम्मत नहीं हुई जगन्नाथपुरी ले जाना, उन्होंने काठ के बक्से में मल्लुकदास का शरीर डालकर समुद्र देवता को अर्पण कर दिया। लेकिन वो संत का संकल्प, भगवान का सहयोग, समुद्र उसको नचाता कुदाता लहरियों में वो ले गया जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी और राजा को कोई स्वप्न आया क्या हुआ, वो सर्वसमर्थ ने लीला की। आज जाकर कोई देखे तो मल्लुकदास की समाधि जगन्नाथ मंदिर की जो पनाली है वहाँ है। और ये भी कहा था कि ठाकुर जी को जब भूख लगे तो रोटी बनते समय जो बाकी का आटा बनता बचता है उसी आटे का रोट बनाकर दास को भोग लगवाना।
आज भी उस प्रकार के बचे हुए आटे का ठाकुर जी के लिए जो भोजन बनता है, बचे हुए आटे का रोट का भोग मल्लुकदास को लगता है। कहां तो